देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बुलेटिन की शुरुआत भरतपुर से करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर आलोक रंजन, कृषि विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह, वरिष्ठ एडवोकेट अमर सिंह ने बहुत ही सुंदर विचार रखे। जिलाधिकारी ने कहा कि मुझे यहां आकर बहुत ही सुकून और शांति मिली है और वर्तमान समय खुशहाल जीवन के लिए मूल्यों की स्थापना की आवश्यकता है। हम सबके बीच में पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में भरतपुर की जिला कलेक्टर बहुत आदरणीय भ्राता आलोक रंजन जी। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि भाई साहब, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कार्यक्रम मुझे निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा। कोई शक नहीं कि योग जो है वो सभी किसी भी उम्र के लोगों सभी के लिए महत्व है, और जब इसको ब्रह्मा कुमारी करवाते हैं जो राजयोग प्रक्रिया है, और तो उसमें एक अलग जो शांति और खुशी जो है वो। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ब्रह्मा कुमारी की वार्षिक थीम दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में आगरा सब जोन प्रभारी बीके शीला, भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने भी तन मन से स्वस्थ बनने के लिए राजयोग अपनाने की अपील की। साथ ही सभी को फिजिकल और मेंटल योगा कराया गया। राजयोग बुद्धि योगा है, मानसिक योगा है, तो ये फिजिकल योगा हमारे शरीर को स्वस्थ और प्रसन्न बनाता है। कहा जाता था हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। अब देखते हैं सूरत में शिक्षकों को क्या तालीम दी गई। हम सभी के अंदर शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता जैसे कई दिव्य गुण हैं। उसका अनुभव करना ही शिक्षा है। ये बात मुंबई के कॉर्पोरेट ट्रेनर बीकेवी स्वामीनाथन ने सूरत के परवट सेवा केंद्र में आयोजित शिविर में कही। समाज में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के उद्देश्य से शिक्षकों के लिए मूल्य शिक्षण तालीम शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 650 से अधिक शिक्षकों ने इस शिविर का लाभ लिया। एजुकेशन इज, बोलिए, इज मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सेल्फ। मतलब मेरे अंदर ऑलरेडी वो दिव्यता है, शांति, प्रेम, सुख, बस उसको अनुभव करना शिक्षा है। इस दौरान वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति ने सभी को राज्यों का अभ्यास कराया और रेम्बो स्कूल के ट्रस्टी सिमरन ने ट्रेनिंग की खूब सराहना की। मौके पर ज्ञान ज्योत विद्यालय के ट्रस्टी लालजी, ज्ञानदीप स्कूल के ट्रस्टी राजू समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। हम यहाँ से जो सीख के जा रहे हैं, हम अपने स्कूल में आने वाली जनरेशन के बारे में, कि ये स्लोगन भी दिया गया है, आर्किटेक्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफ जनरेशन, तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को भी ये चीज़ें बताएं, क्योंकि आज की जिंदगी में इतनी भागदौड़ है, लोग सब कुछ भूलते जा रहे हैं, अपना कल्चर, अपना स्वाभिमान। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि अपना कल्चर क्या है। यहाँ से हम ये सीखेंगे, आज सीखा हमने कि हमारा कल्चर परमपिता परमात्मा, हम आत्मा है, हम परमात्मा से जुड़े हैं। प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर में कलाकारों को मिला ईश्वरीय उपहार। परमात्मा कहते हैं कि कलाकार को प्रभु ने सौंपी है सुंदर सौगात। कलाकार को प्रभु ने सौंपी है सुंदर सौगात, तभी मानते सभी दिल से कलाकार की बात, तभी मानते सभी दिल से कलाकार की बात। अभी आप सुन रहे थे माउंट आबू से आर्ट एंड कल्चर विंग के मुख्यालय संयोजक बीके सतीश को, जो कि ब्रह्मपुर के प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर में गोल्डन कल्चर फॉर गोल्डन इंडिया थीम पर आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने विचार रख रहे थे। इस मौके पर सांसद चंद्रशेखर साहू ने इस प्रकार के कार्यक्रमों की सराहना की, तो मेयर संघमित्रा दलाई, सीनियर एक्ट्रेस अंजना दास, ब्रह्मपुर होटल एसोसिएशन के ओनर उमा शंकर पानीग्रही, ब्रह्मपुर सब जोन प्रभारी बीके मंजू, पीओआरसी के डायरेक्टर बीके माला ने भी सभा में मौजूद हजारों कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। अमृतसर के लॉरेंस रोड सेवा केंद्र द्वारा खालसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में तनाव मुक्ति के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके बारे में मधुबन न्यूज के रिपोर्टर ने विशेष जानकारी दी। जैसा
जानते हैं कि आज की इस तनाव भरी जिंदगी में किस तरह से हमें जरूरत है मन की और तन की शांति। अब वो शांति कैसे है? शांति सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से आ सकती है, वो है ध्यान। जी हाँ, जो ध्यान होता है वही हमें शांति की संपूर्ण प्राप्ति करा सकता है। आज हम खालसा कॉलेज आए हैं, यहाँ के जितने भी स्टाफ है और स्टूडेंट्स हैं उनको इतनी तनाव भरी जिंदगी से बाहर निकालने का एकमात्र जो है नुस्खा वो बता दें। तो आज हम देखेंगे किस तरह से लोगों ने योग किया और उनको किस तरह से शांति की प्राप्ति। कैमरा पर्सन रोशनी के साथ मैं दीपिका, मधुबन न्यूज। इस दौरान वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके पवन, बीके साक्षी और डॉक्टर एसपी पोपली ने खुशहाल जीवन के टिप्स दिए और अंत में कार्यक्रम कैसा लगा इसके बारे में प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। आपको कैसा लगा भाई जी? वधिया लगा जी, थोड़ी मन शांति मिली बंदे नु, बंदे नु वधिया लगदा सुन के, कदी कदी सुनन नु मिलदा है, रोज किथे मिलदा सुनन नु। ए भी कॉलेज में भी आए थे ना ब्रह्मा कुमारी से, तो मतलब तभी भी मेरे को अच्छा लगा था। जब लास्ट टाइम आप आए थे ना, तो सर ने मेरे को बोला था कि ऐसा करना है कि 15 डेज तक गुस्सा नहीं करना है, तो मैंने लिख के भी दिया था ना, और तब से मैंने किया भी नहीं है वैसे गुस्सा। लश्कर सेवा केंद्र द्वारा हेलीपैड कॉलोनी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श, बीके प्रहलाद और बीके महिमा ने कहा कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। अंत में सभी को राज्यों का अभ्यास कराया गया। दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई विशेषता है, तो जीवन में खुशी का आधार है लोगों की विशेषताओं को देखना। आज मनुष्य क्या करता है, विशेषताओं को नहीं देख पाए। वहीं रीवा सेवा केंद्र द्वारा गोविंदगढ़ में आत्मनिर्भर किसान कार्यक्रम और नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रीवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला और बीके सुभाष ने शाश्वत यौगिक खेती का महत्व बताया तो परमात्मा का परिचय भी दिया। मौके पर कार्यक्रम व्यवस्थापक रवि पटेल, विष्णु सिंह पदाधिकारी समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही, अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।